हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बिल्कुल यूज़लेस जो चीज़ें पड़ी होती हैं घर में, स्क्रैप पड़े होते हैं। अगर आप घर में स्टिचिंग करते हैं तो आप देखिए, इस तरह के बहुत सारी आपके पास स्क्रैप पड़ा होता है, यानी फालतू कपड़े पड़े होते हैं। तो इस तरह से जब कपड़े बच जाते हैं, उसका यूज़ कैसे करना है वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर में बहुत सारी पतली पतली पट्टियाँ हैं, और ये ग्रीन कलर का ब्रोकेड यानी बनारसी कपड़ा है, जिसकी लंबाई देखिए 12.5 है, और जो चौड़ाई है वो लगभग 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20.5 के आसपास है, और ये डबल लेयर में कपड़ा है। तो इससे हम बनाएंगे हम अपनी चोली, यानी हम ये 5 साल की बच्ची का लहंगा चोली तैयार करेंगे इससे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आगे का पार्ट कट कर रही हूँ। तो इस तरह से जो मेरा एक पार्ट मैंने ले लिया है, और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो बिल्कुल इक्वल आए। तो इस तरह से डिज़ाइन मिला लें, और बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही प्यारा ये ड्रेस तैयार होने वाला है। तो देखिए, इस तरह से डिज़ाइन मिलाने के बाद जो भी आपका नाप है उसके अकॉर्डिंग इस पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो मैं नाप बना रही हूँ, मैंने आपको बता दिया 4 से 5 साल की बच्ची के लिए एनफ है। तो 7.5 यानी 15 इंच की मुझे चाहिए, तो मैंने 7.5 पे लगाया, और 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन दिया है। और जो मिड का निशान है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे, और 1 इंच डाउन हमें एक निशान लेना है। तो ये देखिए, 1 इंच डाउन एक निशान लेने के बाद हम हल्का सा कर्व देकर इसे अपने पहले वाले निशान से मिला देंगे। सेंटर वाले पार्ट को हमें अपने बाहर वाले पार्ट से मिलाना है। बहुत हल्का सा कर्व दिया है मैंने, सेम निशान हम नीचे भी लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, फालतू कपड़ा है, उसे कट करके हटा देंगे। तो पहले मैंने ये सेंटर वाला जो कर्व का निशान लगाया था वहाँ कटिंग की है, उसके बाद हम अपने साइड का जो कपड़ा है फालतू, उसे कट करके हटा देंगे। तो आगे का पार्ट हमारा कट चुका है, अब हम अपना बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट हम वैसे तो बैकलेस थोड़ा सा इसमें हम डोरी का लुक देंगे, पर अभी हमें हमारे पास जो कपड़ा है उसमें डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसलिए हमें ये पूरा आगे की तरह ही कट करना होगा। तो देखिए, मैंने इसे वापस से फोल्ड कर लिया है, और जितना हमने आगे का पार्ट रखा था 7.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो उतना ही निशान लगा के कट कर लेंगे। और जब हम इस पर लाइनिंग लगाएंगे, तब मैं कटिंग सिलाई के समय आपको दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। अभी हमने सिंपल इसे आगे की तरह सीधा सीधा कट करके निकाल लेना है। तो ये देखिए, आगे और पीछे दोनों के पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब हमें अपने लहंगे की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ये मेरे पास जो पट्टियां हैं, ये मैंने इस तरह से डबल करके रख ली है। ये एक लंबी पट्टी है, इसे फोल्ड करने के बाद ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो कलियाँ हैं, ये मेरे पास 12 इस तरह से लगभग 12 पीस तैयार होंगे, यानी 12 कली का लहंगा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, 22 इंच इसकी लंबाई है, यानी टोटल पत्ती मेरी 44 इंच की है, जिसे मैंने फोल्ड करके 22 इंच पे रख लिया है। और जो इसकी चौड़ाई है वो आप कितनी भी रख सकते हैं, वो आपकी कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं पूरी रख रही हूँ, तैयार होने पर 5 इंच आएगी। तो देखिए, लगभग हमें जो तैयार करना है वो पूरा जो फ्लेयर तैयार होगा वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, कि आपकी जो कपड़े की पट्टी है वो कितनी है। यहाँ पे मेरी 12 हैं, तो देखिए हम जो कटिंग करेंगे कली की वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो 28 इंच मेरी यहाँ पे टोटल कमर है, वैसे 13 इंच है, पर हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो हिप साइज़ है 28 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वेस्ट रख रही हूँ। तो जितनी भी आपकी है उसके अकॉर्डिंग रख लें। और 28 इंच को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये 12 कली का बना रही हूँ, तो 28 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया है, तो वो आया है 2.3 समथिंग। तो 2.3 में हमें दोनों तरफ स्टिचिंग की भी सिलाई का मार्जिन देना है। तो अगर हम 1/4 इंच दोनों तरफ का रखते हैं तो 1/2 इंच हो जाता है, तो लगभग 1.75 इंच हो जाता है। तो 1.75 इंच हमारा होता है कमर,
और जो हमारा फ्लेयर है वो हम पूरा 5 इंच रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें कमर का निशान लगाना है वो कैसे लगाना है, तो देखिए जो हमारी पट्टी है वो पट्टी आ रही है लगभग इस तरह से आप रख लें, या तो जो मैं तरीका आपको दिखा रही हूँ 5.5 आ रहा है, तो इस तरह से मैंने उसको हाफ़ किया और इसका एक पट्टी का मैंने ये सेंटर निकाल लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये 2 पट्टियाँ कट करके दिखाऊंगी और इसी तरह से मैं बाकी की पट्टियाँ भी कट कर लूँगी। तो देखिए जो हमारा ये सेंटर निकल के आया है इस पर अब हमें अपनी मार्किंग करनी है कमर की। तो ये सेंटर से हमें अपना इंची टेप रखना है और आप देखिए जैसे ये 3.25 था तो इसको भी आप इसी तरह से हाफ़ फोल्ड कर लें इस तरह से, और जो सेंटर आएगा टेप का उस सेंटर को आप कपड़े के सेंटर पर रखें। तो इस तरह से आपकी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो देखिए जो हमने कपड़े पे निशान लगाया था वहाँ हमने अपने टेप का मार्किंग वाला हिस्सा रख दिया, तो अब हमने एक तरफ 3.25 का निशान लगाया और एक तरफ टेप का एज वाला निशान लगा दिया। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा निशान लग चुका है और नीचे का फ्लेयर मैंने आपको जैसा बताया मैं पूरा रख रही हूँ 5 इंच, तो जो 12 कली हैं उससे हमारा लगभग 1.5 मीटर का घेर तैयार होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 60 इंच का घेर तैयार होने वाला है इन छोटी छोटी पतली पतली पट्टियों से। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे हल्का सा तिरछा शेप देते हुए इसे नीचे मिला दिया है, और नीचे क्योंकि हम बिल्कुल कटिंग नहीं कर रहे इसलिए मैंने ये देखिए हल्की सी तिरछी कटिंग बस ऊपर से दी है और नीचे इसे मैंने मिला दिया है। तो जैसे मैंने ये वाली पट्टियाँ तैयार की है उसी तरह से आप बाकी की पट्टियों पर भी निशान लगा लें। तो देखिए आप चाहें तो यही पट्टी रखकर आप सारी पट्टियाँ कट कर सकते हैं, और या फिर आप इसी तरह से निशान लगाते जाएं और कटिंग करते जाएं। तो 12 की 12 कलियाँ सेम इसी तरीके से तैयार कर लें। नीचे से कपड़ा हमारा जॉइंट है वो हम यहाँ पर कटिंग करके सीधे उसको अलग कर लेंगे, तो ये हमारी 2 कलियाँ तैयार हो गई। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है बस यही है कि जितनी भी आपको कमर रखनी है, यानी मैंने यहाँ जो हिप के अकॉर्डिंग रखी है, तो कमर को आपको जितनी कलियाँ रखनी है उससे डिवाइड करना है। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है तो एक वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो मैंने फुल लेंथ का यानी 16 ईयर्स की गर्ल का बनाया था, यहाँ पर मैं ये 5 साल की बच्ची का बना रही हूँ। तो ये देखिए सारी मेरी कलियाँ कट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें बेल्ट निकालनी है, तो बेल्ट के लिए मेरे पास ब्लैक कपड़ा नहीं है, ये मैं ग्रीन जो मैंने चोली बनाई है उसी कपड़े से मैं ये बेल्ट बना रही हूँ। तो ये देखिए लगभग 8.5 इंच की पट्टी है, इसकी चौड़ाई जो लंबाई है वो 8.5 है, और जो चौड़ाई है वो हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग जो हमने अपनी कमर रखी थी उतनी ही रखनी है। तो देखिए इसे इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो सिलाई करने के बाद हमें लगभग 3.5 इंच की बेल्ट तैयार मिलेगी। तो जो हमने अपनी पट्टी रखी थी वो आपको ध्यान होगा 22 इंच थी, लगभग 21.5 इस तरह से वो पट्टियाँ थी, तो 21.5 भी मानेंगे तो 3 इंच प्लस करके काफ़ी अच्छी लेंथ हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए जो हमें इसकी अपनी बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है वो 28 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम 1 से 1.5 इंच इसमें फालतू लेके चलेंगे क्योंकि हमें इसमें नेफा भी फोल्ड करना होगा, सिलाई में भी मार्जिन जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 29 इंच के करीब भी अगर रखना होगा तो ये थोड़ी सी पट्टी कम हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा कपड़े का जोड़ लगा के हम इसे बढ़ा लेंगे और इस तरह से हमारी ये कमर की जो चौड़ाई है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए लगभग 14-28 हो रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाऊँगी तो ये पूरा 29 हो जाएगा। अब हम इसके अस्तर की यानी लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है अस्तर का, ये लगभग 30-30.5 इंच है। तो जो कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है ये देखिए ये पूरी अर्ध है, और जो लंबाई है वो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। तो जो अर्ध है उसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, और जो हमारी चोली की लंबाई थी 12.5 इंच वो हम इसमें से कट करके पहले अलग कर देंगे, यानी चोली के लिए जो कपड़ा चाहिए वो पहले कट करके अलग कर देंगे फिर हम इसमें से लहंगे की कलियाँ कट करेंगे। तो 12.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके और मैंने ये कपड़ा अलग कट करके निकाल देना है।
ये मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब देखिए जो मेरे पास कपड़ा बचा है वो लगभग 18 इंच का कपड़ा बचा है। तो जो हमारा लहंगा है उससे हमें 2 से 3 इंच वैसे भी कम रखना था अपना अस्तर लंबाई में, तो ये हमारे परफेक्टली काम आएगा। तो अब मैंने इसे लंबाई में देखिए इस तरह से रख लिया है और उसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया है एक बार। तो एक बार फोल्ड करने के बाद अब आप यहाँ देखिए कैलकुलेशन में दिखा रही हूँ, 28 इंच हमारी कमर है। अगर हम 4 कली का लहंगा बनाएंगे तो हमारी एक कली 7 इंच की निकलेगी। तो देखिए जो हमारी चौड़ाई वाला हिस्सा है ये इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने कपड़ा, आप देखिए वीडियो में। और 7 इंच हम एक कॉर्नर से निशान लगाएंगे इसका इस तरह से। ऐसा करने से हमें लहंगे का घेर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है अस्तर का, और उधर का हिस्सा हमारा घेर में होगा। तो जैसे हमने इधर 7 इंच लगाया है अब हमें दूसरे कॉर्नर पर 7 इंच का निशान लगाना है। ध्यान रखना है एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। अब इस तरह से इन दोनों निशानों को आप तिरछा पकड़ें और इस तरह से इसको मिला लें। ये बिल्कुल परफेक्ट निशान बन जाता है। ये बहुत ईजी तरीका है कटिंग कली कटिंग करने का। और इस तरह से इस पर हाथों से निशान बना लें और इसकी कटिंग कर दें। तो ये हमारी 4 कलियाँ निकल कर आ जाएंगी जो लहंगे के अस्तर की हैं। तिरछी कटिंग कर दें इसकी। साइड से ये डबल फोल्डेड था तो ये साइड भी मैंने इसके खोल लिए हैं। तो ये 4 कलियाँ हमारी बिल्कुल बन के तैयार हैं। और पट्टी हम रॉकेट की ही लगा रहे हैं डबल करके, तो वहाँ पर यहाँ पर हमें पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो अस्तर के अंदर लगा भी सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द मैं इसका स्टिचिंग का वीडियो देने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और फिर मिलेंगे बहुत